राजस्थान के झुंझुनू जिले में मंगलवार रात हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की कोलिहान खदान में बड़ा हादसा हो गया। खदान में बनी लिफ्ट के ऊपर आते वक्त अचानक रस्सा टूट गया, जिसके बाद वो करीब 1875 फीट नीचे जा गिरी। इस हादसे के वक्त खदान में कोलकाता से आई विजिलेंस टीम के करीब 14 अधिकारी मौजूद थे। हादसे की जानकारी मिलते ही खदान में अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और सुबह करीब 7 बजे 3 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। जिला चिकित्सकों के मुताबिक खदान में फंसे सभी 14 लोग सुरक्षित है। लिफ्ट नीचे गिरने के बाद किसी को गंभीर चोट नहीं लगी, हालांकि 2 से 3 लोग जख्मी हुए। एक एक करके सभी को बाहर निकाला जा रहा है। मंगलवार रात करीब 8 बजे हुए हादसे के बाद 3 टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। अभी तक कुल 3 लोगों को बाहर निकाल लिया गया है और उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद एम्बुलेंस से जयपुर के अस्पताल में रेफर कर दिया। शेष 11 लोगों को बाहर निकालने के लिए भी रेस्क्यू टीम का ऑपरेशन जारी है। फंसे हुए लोगों के लिए देर रात ही नीचे फूड पैकेट और कुछ दवाइयां भेज दी गई है। जल्द ही फंसे हुए बाकी 11 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। झुंझुनू के खेतरी में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की कोलिहान खदान में लिफ्ट की रस्सी टूटने से हुए हादसे की सूचना मिली थी।